टंडो आदम के मशहूर बुजुर्ग हजरत हाजी शाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब का सिलसिला जारी। उर्स मुबारक के मौके पर सिंध के रवायती खेलों को अहमियत दी गई। उर्स के मौके पर सिंध के रवायती खेल कबड्डी और मल के मुकाबले हुए, जिनमें से सिंध के नामोर पहलवानों ने हिस्सा लिया। सिंध भर से आला नस्ल के बैल और घोड़े भी दौड़ के लिए लाए गए, जिनमें घोड़े लाने वालों में मोहम्मद खान जोनेजो सलाम जरदारी, मोहम्मद खान दिलबर खान समेत 100 मालिकान के घोड़े दौड़ाए गए, जबकि बैलों में हाजी गुलाम नबी मरी, गुलाब खान, सैयद वसीम शाह समेत 70 से जायद बैलों ने हिस्सा लिया। दरगाह पर जायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। उर्स मुबारक के मौके पर दुकानदारों ने दुकानों को खूबसूरती से सजाया था। बच्चों की तफरी के लिए झूले, सर्कस, मौत के कुएं का भी एहतमाम किया गया। दरगाह के मुतवली गाजी खान अबड़ो ने कहा कि हम हर साल बुजुर्ग का उर्स मनाते हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने आज तक कोई तआवुन नहीं किया। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जायरीन की सहूलत के लिए मुसाफिर खाना और लंगर खाना तामीर कराया जाए। कैमरा टीम के साथ मुइन शेख, HNN न्यूज़, टंडो आदम।